अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आज ये मेरी वीडियो सिंपली पर्शियन कैट्स के बारे में है। जो मतलब मैं पर्शियन कैट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ कि आप किस तरह इसकी ब्रीड ले सकते हैं और इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं। सही है। तो अब मेनली बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई पर्शियन कैट्स हैं तो ये इम्पोर्टेड ही होती हैं, लेकिन नहीं, पर्शियन कैट्स यहाँ पे अब लोकल ब्रीड होती है। मतलब कि बहुत पहले ज़माने में किसी ने इम्पोर्ट करवाई होगी तो वो उससे ब्रीड चलती हुई आ रही है और अब ये नॉर्मली लोकल ब्रीड ही होती है जो यहाँ पर लोग ब्रीड करवाते हैं और सेल करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है कुछ इम्पोर्टेड ब्रीड्स होती हैं, जैसे पैकी हो गई या कोई मतलब CFA ब्लड लाइन, इम्पोर्टेड ब्लड लाइन मंगवा रहा है बाहर से, वो भी कोई ब्रीडर ही मंगवाएगा, नॉर्मल बंदा नहीं ना अफोर्ड कर सकते हैं और ना वो मंगवाते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो बाहर से मंगवा रहे हैं तो उनका मतलब उनको किस टेम्परेचर में मेंटेन रखना है और क्या किस तरह से उसको मेंटेनेंस है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये एज अ ब्रीडर ही मंगवाते हैं जो फिर उनके जो बेबीज़ होते हैं, किटन्स होते हैं, वो सेल करते हैं। तो नॉर्मली ये आपको आप जिस भी मार्केट में या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको कोई इम्पोर्टेड ब्रीड कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ये सब लोकल ब्रीड ही है जो यहीं पर ब्रीड कर रही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेनली सवाल आता है कि भाई हमने कैट कहीं और मार्केट में देख रहे हैं, जैसे लाहौर की कोई मार्केट हो गई या कराची की कोई मार्केट हो गई, किसी भी शहर की कोई मार्केट हो गई, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो 3-4 हज़ार की, 2-3 हज़ार की भी मिल रही है, 15 हज़ार की, 10 हज़ार की भी मिल रही है, 20 हज़ार की भी बोल रहे हैं, तो ये मतलब रेट में इतना वो क्यों है? सब पर्शियन कैट्स तो हैं। देखें, पर्शियन कैट्स के अंदर ना, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं, डिफरेंट फेसेस आते हैं सब। पहले अगर आप सिर्फ नॉर्मल पर्शियन कैट ले लें, डॉल फेस भी कहते हैं उसको, सेमी पंच फेस भी कहते हैं, तो अब उसके अंदर डॉल फेस के अंदर भी 3 किस्म होती हैं। एक होता है सिंगल कोट, जो नॉर्मल जो बाहर आप बिल्लियाँ देखते हैं उतने मतलब उनका कोट उतना होता है बाल। फिर आता है डबल कोट, वो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। और फिर आता है ट्रिपल या लॉन्ग कोट, प्रॉपर फर वाली बिल्लियाँ देख रहे होते हैं ना, फ्लफी टाइप की, मतलब बड़ी बिल्लियाँ जो देख रहे होते हैं, वो होती है ट्रिपल कोट। तो इन तीनों के रेट में फ़र्क होता है। अब अगर आप सिंगल कोट ले लें तो सिंगल कोट या डबल कोट वो आपको 4-5 हज़ार की भी मिल जाएगी। ट्रिपल कोट पर आ जाएँ तो वो आपको 8-10 हज़ार, 15 हज़ार की भी मिलेगी। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप किटन लेने जाते हैं ना, तो किटन के अंदर आपको ये है कि आपको किटन हमेशा महंगा मिलेगा। किटन आपको 10 हज़ार का भी मिलेगा, 11 हज़ार का मिलेगा, लॉन्ग कोट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफर लॉन्ग कोट ही किया जाता है, लोगों को वो फ्लफ़ी लगता है और फैमिलीज़ को, तो वो अपने लिए लॉन्ग कोट ही लेते हैं। लॉन्ग कोट के लिए अब जो उसका किटन है वो आपको 8-10 हज़ार का, 15 हज़ार का मिलेगा। ये मैं आपकी डॉल फेस की या सेमी पंच फेस की बात कर रहा हूँ। सही है। तो और अब अगर आप उसके एडल्ट में चले जाते हैं ना कि मुझे एडल्ट चाहिए जो या ब्रीडर चाहिए, तो वो आपको सस्ता मिलेगा, 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये बहुत मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। सही है। तो इसमें ये फ़र्क होता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई पर्शियन कैट हमें बाहर से जो है 4 हज़ार की मिल रही है और आप हमें बच्चा जो है वो मतलब 10 हज़ार का दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो वो इस तरह से होता है कि किटन हमेशा महंगा होता है और जो एडल्ट होती हैं वो कम होती हैं पैसों में। सही है, क्योंकि नॉर्मली वो ब्रीडर ही रख रहे होते हैं जो बड़ी बिल्लियाँ जाहिर लोग लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं डॉल फेस, सेमी पंच फेस की बात हो गई, अब इसमें आ जाते हैं पंच फेस के ऊपर। पंच फेस के ऊपर भी वही बात है कि उसमें सिंगल कम कोट वाली भी होंगी और लॉन्ग कोट वाली भी होगी। सही है। तो उसके प्राइस में डिफरेंशिएट करेगा आपका। बाकी पंच फेस के बाद आ जाता है आपका एक्सट्रीम पंच फेस। सही है। एक्सट्रीम पंच फेस के अंदर क्या होता है कि वो पंच फेस में ही एक्सट्रीम पे चले जाता है, मतलब वो और ज़्यादा पंच दिख रहा होता है आपको ना, तो उसका फेस और ज़्यादा पंच हुआ हुआ होता है, दिख रहा होता है। सही है। लेकिन इनकी केयर करना भी तो आसान नहीं है। सही है। अगर आप डॉल फेस लेते हैं, अगर नॉर्मली मैं अगर कोई फैमिली ले रही होती है पहली मरतबा, तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि डॉल फेस या सेमी पंच फेस लें। उसकी मेंटेनेंस बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। मतलब कि पंच फेस के अंदर ये होता है कि आपको उसकी रोज़ाना उसकी आइस साफ़ करनी होती है, क्योंकि उसके वो ड्रॉप्स आ रहे होते हैं मतलब आइस में से, तो उसकी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको रोज़ाना साफ़ करके रखनी होती है। डॉल फेस में इतना नहीं होता, उनका फेस पंच नहीं होता है फेस, तो इतना ज़्यादा उनमें कोई इशू नहीं होता है। तो बाकी ये है कि अगर आप मेंटेनेंस कर सकते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सारी ब्रीड्स ही अच्छी हैं, आप कोई भी ले लें। बाकी लॉन्ग कोट के अंदर ये होता है कि आपको रोज़ाना उसको ब्रश करना होगा, वही मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो उसके बाल में नॉट्स बन जाती हैं,
वो हल्का 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 करके पूरी नॉट्स बन जाएंगी, और फिर आपको प्रॉपर उसको शेव करवाना पड़ेगा बिल्ली को। वो तो आपके 2 से 2.5 महीने के अंदर बाल आ जाते हैं उसके दोबारा, लेकिन आपको शेव करवाना पड़ेगा, उसका उसका कोई इलाज नहीं है, सही है। बाकी आपको उनको प्रॉपर बाथ भी देना है, सही है, उनकी नेल कटिंग भी करनी है। और बाकी अब उसको ये होता है कि भाई किटन्स लेते हैं तो वो लिटर ट्रेंड या मिट्टी में ट्रेंड हैं या नहीं है, क्या है, तो देखें कैट्स का बहुत सिंपल होता है। आपने अगर किटन लिया है तो आपने उसको रोज़ाना जैसे दिन में 3 दफ़ा अगर आपने नया नया लेकर आए हैं, सही है, तो वो आपके घर को भी नहीं जानता कि आपके घर में क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। आपने लिटर लेकर आ गए, आपने कहीं रख दी और वो क्या कहते हैं उसको जगह नहीं पता है, तो अब वो आपको ये करना है कि आपको दिन में 2 से 3 दफ़ा उसको खुद से उठाकर और लिटर पे जाके रख देना है, या मिट्टी अगर आपने रखी है तो मिट्टी पे ले जाकर रख देना है उसको। तो ये होगा, उससे वो रोज़ाना उसको स्मेल करेगा, सही है, उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, सही है, तो वो खुद ही फिर हल्के हल्के करके रोज़ाना जाकर वहाँ पे मतलब लिटर कर लेगा ये अब। और बड़ी कैट्स जो होती हैं वो नॉर्मली ट्रेंड होती हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेंड नहीं करता है तो फिर आपको खुद से ट्रेन करना पड़ती है, लेकिन बड़ी कैट्स में मुश्किल होता है ट्रेन करना, किटन्स के अंदर आसानी होती है। और मैं फैमिलीज़ को हमेशा प्रेफर करता हूँ कि किटन्स ही लें, पैसों को देखकर ये ना लें कि बड़ी बिल्ली ले ली। बड़ी बिल्ली वो कहाँ से कैसी ट्रेंड होकर आई है, किस तरह से उसको रखा हुआ था, ये आपको नहीं पता है। ये बिल्लियाँ ब्रीडर्स तो रख सकते हैं क्योंकि उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो कहाँ क्या कर रही है, उनको बस एक जगह पे उन्होंने जगह बनाई होती है, छोड़ देते हैं, वो नॉर्मल फैमिली के लिए नहीं ले रहे होते, आपको अपनी फैमिली के लिए ले रही होती है। तो आप अगर वो बड़ी बिल्ली कहीं और अगर बिल्कुल ऐसी खुली हुई पली हुई है और आपने घर पे लाके उसको मतलब थोड़ा केज में कर दिया, या आपने उसको ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करी, तो वो वाइल्ड भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो बात सारी ये है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि आप वैक्सीनेशन के ऊपर। तो नॉर्मली जब आप किटन लेते हैं तो उसके 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है, जब को हर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको डॉक्टर प्रेफर कर देगा कि करवानी होती है। वैक्सीनेशन के अंदर डिफरेंट उसकी वैक्सीनेशन होती हैं, जो उसके पेट के लिए होती हैं, उसके बालों के लिए होती हैं, सही है। बाकी उसकी डिवॉर्मिंग होती है, डिवॉर्मिंग आप करवाते हैं तो उससे पेट साफ रहता है उसका। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है कैट का ना, तो मैं उसको प्रेफर करूँगा कि वो डॉल फेस से स्टार्ट करे, सही है, लॉन्ग कोट से कर ले कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन डॉल फेस से करे, या सेमी पंच फेस भी कहते हैं उसको, आप उसकी ब्रीडिंग से स्टार्ट करो, सही है, हल्के 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 करके। जब आपको नॉलेज हो जाएगी कैट को किस तरह रखना है, उसके क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सिर्फ पढ़कर और आप चाह रहे हो कि मैं जो है मतलब स्टार्ट कर दूँ, तो पढ़ना अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, सही है। तो आप जब उसको रखोगे आपको पता चलेगा कि यार कैट में ये प्रॉब्लम भी आती है, ये प्रॉब्लम भी आती है, इसको इस तरह से भी हैंडल करना है, इसको इस तरह से भी, इसको बार बार डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप जब हल्के 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 स्टार्ट करोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप हर ब्रीड रख सकते हो भाई, आप इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में आप इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन एकदम से सिर्फ ये सोच कर के भाई मतलब मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ और इम्पोर्ट ब्रीड करवाता हूँ, मतलब इम्पोर्टेड करवा कर और ब्रीड करवाऊँगा और मतलब पैसे ज़्यादा बना लूँ, तो वो आपके लिए बहुत मसला ही बनेगा, क्योंकि वो आपको जाहिर सी बात है आपने कैट कभी पाली नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या किस तरह से रखना है, आप 1 लाख रुपये की बिल्ली मंगवा कर और उसको भी ज़ाया कर दोगे एक तरह से ना, सही है। तो आपको पहले प्रॉपर रखो, डॉल फेस से स्टार्ट करो, फिर आप पंच फेस पर आओ, आप फिर एक्सट्रीम पंच पर आ जाओ, फिर पैकी फेस है आपके पास, आपको इम्पोर्टेड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है हमारे पास यहाँ पर ही इतनी ब्रीड्स हैं मतलब अच्छी अच्छी, जो लोग ज़्यादातर प्रेफर उन्हीं को करते हैं। अगर आप मार्केट में एक बच्चा अच्छा है जो आप फ्लफीस है वो 10,000 रुपये का 12,000 रुपये का बेच रहे हो, और एक वही बच्चा है सिर्फ उसका फेस चेंज है, फ्लफी वो भी है लेकिन उसका फेस चेंज है थोड़ा, पैकी में आ गया, और वो आप 60,000 रुपये का दे रहे हो, तो लोग ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो 10,000 वाला या 12,000 वाला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा एक चीज़ लेने से पहले इतने पैसे वो पहले ही खर्च करे वो सोच रहा होता है ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं वो लेते हैं, वरना ज़्यादातर लोग जो है वो कम वाली चीज़ पर ही जाते हैं, सही है। तो ये एक मेनली आइडिया है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो बिज़नेस तो आप कम वाले पे ही रखें तो आपके ज़्यादा वो होगा। अगर आप ज़्यादा पर जाएंगे कि नहीं ज़्यादा वाला बच्चा फिर बिक जाए, वो फिर बेचने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत देर लगती है, बिक जाता है लेकिन बहुत देर लगती है, उसकी पार्टीज़ बहुत कम आती हैं,
आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है 60,000, 70,000, 80,000 का कोई बच्चा फ़ौरन नहीं लेता, सही है। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो इस हवाले से, या कोर्ट के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से पूछना हो, बिल्ड कैसे स्टार्ट करें, किस तरह रखें, किस में रखें, क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पेज का लिंक भी दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच।